बसमिल्लाम्सम रोज़ाना वाकयात सुनने के लिए इस चैनल को सब्सक्राइब करें हजरत उमर फ़ारूक रजी अल्ल अनह जब तख्ती खिलाफत पर सदर नशी हुए तो आप रजील् अन्हो की खिलाफत का चर्चा और आपकी शान शौकत की धूम मशरिक से मगरिब तक पहुँची जिस वक़्त बादशाह हरकल ने आप रसीुआ अनह का जिक्र सुना तो बड़ा बेचैन हुआ और एक नसरानी पहलवान को इनाम का लालच देकर हज़रत उमर रसीुआ अनह को शहीद करने के लिए आमादा किया और कहा कि अगर मदीना जाकर हजरत उमर रसीु को कत्ल करेगा तो तुझे बहुत सा मालो दौलत दिया जाएगा ये हुक्म सुनकर वो नसरानी पहलवान मदीना की तरफ रवाना हुआ जब मदीना के करीब पहुंचा तो उसे पता चला कि मुसलमानों के अमीर हजरत उमर ताला ताू बेवा और यतीम बच्चों की ज़मीन और बागात वग़ैरह के मुलाजे के लिए बाग में तशरीफ़ ले गए हैं ये नसरानी पहलवान भी बाग में पहुंचा और हजरत उमर रजील्न् को देख कर एक दरख्त पर चढ़ गया कुछ देर बाद इत्तफाक से हजरत उमर रजी अल्लाहु तला भी उस दरख्त के नीचे तशरीफ़ लाए और हाथ का तकिया बनाकर ज़मीन पर लेटे और बगैर किसी बिस्तर और तकिए के सो गए आपको सोता देख कर वो नसरानी पहलवान दरख्त से नीचे उतरा और आपके कत्ल का इरादा किया लेकिन जैसे ही तलवार उठाई तो फौरन एक शेर आपके पैरों की तरफ से आया जिसकी सूरत देख कर वो नसरानी पहलवान बेहोश होकर ज़मीन पर गिर गया और शेर चारों तरफ से आप रसी का पहरा देने और आपके तलवे चाटने लगा उस नसरानी के गिरने से हज़रत उमर रजी अल् तला बेदार हुए जब आपकी आंख खुल गई तो शेर गायब हो गया आप रजी अल्लाह रजील्ल्लु ने उस नसरानी पहलवान से पूछा कि तू कौन है नसरानी बोला जनाब आपका रुतबा अल्लाह ने बड़ा बुलंद किया है मैं बेवकूफ़ आपको शहीद करने के इरादे से यहाँ आया था लेकिन जब आप सोए तो जंगल से शेर आपकी हिफाजत के लिए आ गया ये सुनकर हजरत उमर रजी अल्ला चारों तरफ देख कर फरमाया कि यहाँ तो कोई शेर नज़र नहीं आता इतने में ग़ैब से एक आवाज़ आई ए उमर, तो हमारे दीन की हिफाजत करता है हम तेरे दुश्मनों से तेरी हिफाजत करेंगे यह गैबी आवाज़ सुनकर नसरानी पहलवान भी हैरान हुआ और आपके हाथों को बोसा देकर अर्ज़ किया हजरत जंगली शेर आपका पहरा देते हैं और आसमान के फरिश्ते आपकी तारीफ करते हैं फिर आपके हाथ पर कलमा पढ़कर मुसलमान क्यों ना हो, ये कहकर वो नसरानी मुसलमान हो गया मज़ीद ऐसे ही वीडियोस के लिए चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें